तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज से रेगुलर होगा और थोड़ा देखिए कठिनाई आता है, आंखों में आंसू, दिलों में गम है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय कम है, इसीलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान है, क्योंकि कुछ परेशानियां आता है जो हमारे साथ भी आया है। ठीक है, अब धीरे धीरे ठीक हो गया, तो अब आपके साथ रेगुलर लाइव होगा, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, जितना वादा किए हैं हर एक चीज होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज देखिए यहाँ से लगभग 8 प्रश्न आता है, टोटल 75 प्रश्न है एलपी में पूछा जाएगा, जिसमें 8 प्रश्न केवल यहाँ से रहेगा, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, कथन पूर्वधारणा। और विशेष मानिए, जिस तरह से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं कि कुछ अलग पढ़ाते हैं, इसीलिए आप हमसे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं मैथ का क्लास ले रहे हैं, रीजनिंग का क्लास नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, तो सारा क्लास लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, वादा किए हैं, तो सारा चीज पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और विशेष बस दो ही बात का ध्यान रखना है कि क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, आज आपको केवल चलेगा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कथन और पूर्वधारणा। देखिए दोस्त, हम पढ़ते हैं तो खिचड़ी नहीं बनाते हैं। जो चीज जैसे आपको कथन पूर्वधारणा पढ़ाएंगे, कथन पूर्वधारणा कंप्लीट करेंगे, कथन तर्क पढ़ाएंगे, फिर कथन जैसे आपका निष्कर्ष होता है, फिर और भी आता है, कथन अवधारणा आता है, कथन पूर्वानुमान आता है, हर एक चीज पहले अलग अलग पार्ट बाय पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद सब मिक्स करके पढ़िएगा। तो याद रखिए, जीवन में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, और रेलवे का ऐसा कोनो एग्जाम नहीं होगा जो यहाँ पर ये 8 से 10 प्रश्न नहीं आता, केवल 75 को 8 हुआ है। तो चलिए मात्र दो दो शब्द बताएंगे और पूरा का पूरा कथन और पूर्वधारणा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिस तरह से आपका वादा किए थे, आपका हर एक वादा पर खड़ा उतरेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। और समय क्या, आप कल से आज से ही रेगुलर होगा। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो PDF है, टेलीग्राम लिंक है, GKGS मस्तीबा जगदेव, वहां पर जुड़ जाइए, वहां पर हम टेलीग्राम जो PDF है वहां डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और यहां से देख सकते हैं आपको विशेष दो ही बातों पर ध्यान रखना है। चलिए, तो यही आपको दो शब्दों का ज्ञान है, किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। ठीक है, कथन पूर्वधारणा आज के बाद अगर गलत हो गया तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया आपका गलत हो गया, क्योंकि मेरा नाम है भोला सा और रेलवे का ऐसा कोनो एग्जाम नहीं है जो नहीं निकाला है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम। तो चलिए, और आप लोग विशेष तौर पर आप हमसे कुछ अलग सीखना चाहते हैं, जो टीचर सभी पढ़ाते हैं उससे अलग सीखना चाहते हैं, और अलग हमने सिखाया भी है। ठीक है, और सिखाएंगे भी, बस विश्वास रखिए थोड़ा सा। देखिए, और इसी में जो आपको कोई नहीं बताता है, सिर्फ आप कर आ करके जो क्वेश्चन का आंसर होता है बता करके चल जाता है। कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा 8 प्रश्न होता है जो आपको मारना ही मारना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि सभी सभी मारे, सभी सभी सही हो जाएगा, और आते हैं एग्जाम में तो आधा आधी गलती होता है, किसका 70% गलती हो जाता है, मतलब गलती होना ही संभावना। जैसे आप मार देते हैं एकदम 100%, मारना ही मारना, क्योंकि आपको लगेगा एकदम सही मारे, लेकिन ये गलती हो जाता है। तो चलिए, आप 100% जैसा सोचते हैं वैसा ही सही होगा, बस विश्वास रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कथन और पूर्वधारणा, केवल कथन और पूर्वधारणा पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, कथन जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, यानी उसका आपको पूर्वधारणा दिया रहेगा। पूर्व धारणा का अगर तोड़ेंगे तो देखिए, पूर्व धारणा मतलब पूर्व धारणा, कथन जो दिया रहेगा उससे पूर्व आप क्या क्या धारणा लगा सकते हैं, बस उसी को कहते हैं कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, चलिए, अभी भी नहीं समझ में आया, फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, कथन और पूर्वधारणा दिखेगा, आपको क्या क्या मानना है इस बात को विशेष ध्यान रखना। जैसे हम आपको सलाह दे रहे हैं तो ये 100% सत्य मानना है, जो सलाह दे रहा है वो सत्य सलाह देगा। ठीक है, बस आगे देखते जाइए कैसे सोल्व होगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। कोई अगर सलाह दे रहा है कि देखो बाबू, हम तुमको बोल रहे हैं, जैसे कथन में दिया रहेगा, आपका दो गांव है, मानते हैं पटना, ठीक है, चलिए पटना ले लेते हैं, जैसे लेते हैं ऐसा जगह लेते हैं जहां हवाई सेवा उपलब्ध नहीं, लेकिन कथन में आपको बोला है कि गांव ए से गांव बी के बीच हवाई मार्ग उपलब्ध है, यात्रा करना है तो आप हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। तो आप कितना लड़का होगा दिमाग लगाएगा, हम लोग के गांव के बीच तो हवाई यात्रा है नहीं, ये तो कथन बिल्कुल गलत होगा। तो आपको सलाह दिया है तो वो चीज बिल्कुल होगा, तभी आपको सलाह दिया। जैसे हम बोले हैं आप हमसे नोट्स मांगे हैं, ठीक है, आप हमसे नोट्स मांगे हैं, तो इतना उम्मीद लेकर मांगे होंगे कि हमारे पास नोट्स पहले से उपलब्ध है। आप हमसे 100 रुपया मांगे हैं तो ये 100% मान के चलिए कि हमारे पास 100 रुपया है, इसीलिए मांगे। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कथन को हमेशा सत्य मानना।
तो पहला नंबर सलाह को दे, जैसे आप इस कॉलेज का सलाह दे सकता है, सलाह क्या देगा आपको, पढ़ाई के बारे में सलाह दे सकता है, दिशा के बारे में सलाह दे सकता है, आपको कहीं जाना न बाबू ट्रेन से मत जा, हवाई जहाज से जा, ट्रेन में बहुत भीड़ होता है। कितना लोग बोलेगा अगर पानी सुविधा जैसे गंगा के इपार से ऊपर जाना, बोलेगा बाबू तुम इतना घूम के मत जा, जहाज से सीधे चल जा 10 रुपया में, ऐसे ही बोल सकता है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो सलाह इस तरह से, कोई पढ़ाई के बारे में सलाह देगा कि अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो इस पटना वाला कॉलेज जो होता है या IIT खड़गपुर सबसे बेहतरीन कॉलेज है, तो उसका सलाह को 100% सत्य माना था। सलाह यही सब देगा, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोचिंग से पढ़ें, आपको सफलता होगा, ठीक है। तो ये सब सलाह देता, तो सलाह को हमेशा कोई सलाह दे रहा तो उसे हमेशा सत्य मानिए कि हाँ ये पॉजिटिव सलाह दे रहा, ठीक है। तो सलाह, उसी तरह इसको आदेश दे रहा तो आदेश को आपको मानना है, क्या करना है आपको मानना है। देखिए कथन और पूर्वधारणा ऐसा है, आपको हमेशा मानने का मन ही करेगा, हमेशा गलती होता कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज के बाद कभी गलती नहीं होगा। आदेश देगा, सलाह देगा, इसको मानना है, चेतावनी देगा, जैसे आप तंबाकू खाते हैं वहां चेतावनी दिया हुआ है तो उसको मानना है, ठीक है, ऐसा ना इग्नोर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना ज्ञान, जैसे पूर्व धारणा जो होता है, जैसे हम बोलेंगे 2020 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, तो आपको मान लेना है, इससे आप पूर्व धारणा लगाइएगा 2020 लीप ईयर है, यानी अब जो होगा फरवरी 29 दिन का होगा। देखिए कथन कुछ और है, 2020 लीप ईयर है, देखिए जब आप पूर्व धारणा पढ़िएगा, देखिए 2020 यानी कि फरवरी 29 दिन का होगा, कथन कुछ है, आप सोच कुछ और रहे, ठीक है। तो आपको कथन जो दिया जाएगा पूर्व धारणा में, हो सकता है कथन और जो पूर्व धारणा है मैच नहीं करे, तब आपका ज्ञान वहां पर काम आता है। जैसे हम बोलेंगे 2020 लीप ईयर है यानी फरवरी 29 दिन का होगा, ये आपका ज्ञान है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फिर बोल सकते हैं 2017 जो होगा, यानी कि 2017 जो होगा लीप ईयर नहीं होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पूर्व धारणा दिया है तो बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या नहीं मानना है एकदम ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव में निगेटिव नहीं, जैसे आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। कभी भी अगर वहां पर बोलेगा पॉजिटिव में निगेटिव, आपको बिल्कुल हमेशा गलत कर देना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तंबाकू खाने से कैंसर होता है, प्रचार दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट, देखे ना तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है, एकदम फेफड़ा पूरा फटा हुआ है, गला एकदम पूरा फट गया, मुंह फट गया, तो वहां पर दिया रहता चेतावनी, तो आपको मानना है। तो आप बोलना तंबाकू खाने से कैंसर होता है, नहीं ना प्रचार में जो दिया वो गलत है, तो ये जो निगेटिव शब्द है आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे अगर कहीं मानते हैं चेन्नई है, चेन्नई में गर्मी के मौसम में पानी की बड़ा किल्लत होता है, इसीलिए सरकार ने आदेश जारी किया कि पानी की वहां पर 25% लोग पानी की बर्बादी को कम करें, तो आपको उसको मानना है सरकार, तो वहां बोलेगा नहीं, विपक्षी उसका विरोध करेगा, तो आपको विरोध नहीं करना, पॉजिटिव सोच करके ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए जितना भी आपका डाउट होगा, ये हो सकता है आप बोल रहे हैं आपका माइंड से निकल जाए, लेकिन आपको आंसर देने में बिल्कुल सहूलियत होगा, विश्वास मानिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव में निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं जाना, विरोध किसी भी चीज का नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमेशा कहीं दिख जाए ओनली, वो चीज गलत होगा, याद रखिएगा, कहीं कहीं सही होता है रेयर केस में, तो वो भी आपको बताएंगे। कभी भी आपको सभी दिख जाए ऑल या कभी नहीं दिखे, तो वो सब चीज गलत होता है, ठीक है। आपको कम से कम 500 प्रश्नों को हल करना होगा, तब जाकर के ये 100% आपका सही होगा, ये 8 नंबर आपका बिल्कुल अपना होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और बिना समय गवाए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि कथन पूर्व धारणा बस यही इसका जो जड़ है, जड़ को समझिए, इसका तना पर तो ऐसा ही वार कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं, चलिए, और इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पर डाल देंगे, GKGS मस्ती बाय जगदेव पर, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और देखिए आपको टोटल करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बस विश्वास रखिए थोड़ा सा। प्रॉब्लम देखिए आते जाते रहता है, कभी रुक गए इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई अगर दो देख पीछे ले रहा है इसका मतलब हो सकता है लंबे छलांग का प्रयास कर रहा, ठीक है। तो चलिए आपको सोचना काम है, क्योंकि आपने विश्वास किया हम पर, तो इसीलिए आपको विश्वास पर कोशिश करेंगे खड़ा उतरे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए आपको कथन दिया और कथन से सटा हुआ आपको पूर्व धारणा सोचना है, ठीक है। जो कथन दिया उसी से, जो आपको पूर्व धारणा दिया उसी के बारे में सोचना। जैसे चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फेवरेट कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और क्या कह सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, घने कोहरे में रात के वक्त दो रोडवेज की बसों की भीड़ से काफी लोग घायल हुए,
जैसे घना कोहरा अभी तो एक तो वायरल भी हुआ, गाड़ी से गाड़ी टकरा रहा, बोल रहा बचिए 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 बाहर निकलिए, नहीं देखते घना कोहरा, और जो रोड होता है वहां पर बहुत सारा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ये कथा बोल रहा है, घने कोहरे में रात के वक्त दो रोडवेज के बसों की भिड़ंत से काफी लोग घायल हो गए। ठीक बात है, अच्छा देखिए अब क्या बोलता है पूर्वधारा। अब पूर्वधारा क्या बोल रहा है, इनमें से एक बस का चालक बस चलाने में निपुण नहीं था। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव बात बोल रहा है, भाई घायल हो गया उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, लेकिन बोल रहा निपुण नहीं है। क्या ये कभी सत्य होगा? आपको बिना सोचे समझे भी मार सकते हैं, विश्वास रखिए हम पे, ठीक है? क्योंकि आप हमसे कुछ अलग सीखने का प्रयास करते हैं, आप मैथ पढ़े चाहे बोटन स्ट्रीम ट्रेन पढ़े हैं, चाहे आपको एज पढ़े हैं, चाहे और भी आपका मिक्स एनालिगेशन पढ़े हैं, चाहे आपका कोई भी चैप्टर पढ़े हैं, हम बिल्कुल सभी से अलग देने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आप हमसे जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए ऐसा ही पता चल गया गलती है। क्या आपको सोचने समझने की जरूरत है कि क्या भाई एक घंटा सोचेगा दैया ये होगा कि होगा, भारी कन्फ्यूजन है, एकदम मारना ही मारना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन छोड़िए नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते तो गलत होने की संभावना होता है, इसीलिए इसका जड़ पर वार करते हैं, डायरेक्ट जड़ खत्म कर दो। देखिए कोहरे के कारण प्राय का मतलब होता है कुछ, ठीक है ऐसा, या फिर ना होता 100% नहीं 99% तक, ठीक है। कोहरे के कारण प्राय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। क्या आपको कथन से लेकर के ऐसा नहीं लग रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई कोहरा है तो ऐसी स्थिति बन सकती है या बनती है, ठीक है? अगर बोलता ना कोहरा में ऐसा होबे करता है, मतलब हमेशा ऐसा होता है, हमेशा लगता तो बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है? यहाँ पर पॉजिटिव बोल रहा है कि ऐसा होता है, यहाँ निगेटिव घुसा देता है तो बिल्कुल गलत हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखे। तो क्या ये बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या आपकी कल्पनाओं सोचने मतलब सोच की क्षमता विकसित हुआ कि नहीं हुआ है? आपको लिखने का तरीका बताएंगे, इसमें भी देखिए लिखावट आपको बता दिया, आप नोट्स बना लीजिएगा एकदम, उसका जड़ पर वार किए हैं याद रखिएगा, ठीक है? चलिए यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, केवल दो सही होगा। अब इसका आंसर देने के लिए आना भी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक गलत है और दो सही है, यानी एक गलत है केवल दो सही है। और देखिए यहाँ पर लिखा है केवल एक अंतर्निहित है मतलब एक सही है, तो एक तो गलत था, केवल दो अंतर्निहित है मतलब केवल दो सही है, तो बिल्कुल केवल दो सही है, जबकि एक दो दोनों अंतर्निहित है मतलब एक दो दोनों सही है तो बिल्कुल गलत है, एक गलत है दूसरा सही है तो हो भी नहीं करेगा, कोई नहीं थी तो हो भी नहीं करेगा, तो यानी हो गया कौन, आंसर देने के लिए आना भी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगर लगे कि हम इससे कुछ सीखे हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है? आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरा वीडियो को, अपने सीख लेते हैं, ऐसा लगता है आप ही केवल सीख करके आप ही नंबर लाइएगा क्या, ठीक है? तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए कथन है उसका पूर्वधारणा, क्योंकि कथन और केवल पूर्वधारणाओं के बारे में यहां पर लाए हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर कहते हैं यदि क्रिएटिनिन स्तर सामान्य स्थिति में नहीं आता, डॉक्टर बोल रहा यदि क्रिएटिनिन स्तर सामान्य स्थिति में नहीं आता है तो हम कुछ दिनों में डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस किडनी उन्हें खराब होता तब करता है ना, जैसे आप शुगर पेशेंट को देखते हैं, शुगर पेशेंट में अगर शुगर हाई हो जाता है तब पर भी भारी दिक्कत है, लो हो गया तो भी भारी दिक्कत है, यानी सामान्य होना बहुत जरूरी। तो वही डॉक्टर कुछ बोल रहा है क्रिएटिनिन कोई बीमारी होगा, ठीक है? जो बोल रहा है सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में क्या मान लेते हैं, सामान्य हो सकता है अधिक होगा तो उसको कम करेगा, हो सकता है अगर कम होगा तो उसको अधिक करेगा, सामान्य स्थिति यही ना बन सकता, इस चीज को आप समझ लिए, ठीक है? अब चलिए इसका हम डायरेक्ट इसका जड़ प्रभाव करते हैं। बोल रहा है क्रिएटिनिन का स्तर मरीज में पाए गए स्तर से कम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां पर कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा गलत होता है, कंफ्यूजन होना है लगता कम है अधिक है होते कि ना होते वो हमेशा गलती होता है। जैसे आप बताइएगा सामान्य स्थिति में लाना, हो सकता अधिक होगा तो उसको कम करना पड़ेगा, समझिएगा बात को, हो सकता है जो क्रिएटिनिन है स्तर उसका अधिक बढ़ा हुआ होगा तो कम करेगा, हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि क्रिएटिनिन पहले से कम होगा तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। जैसे चीनी पेशेंट का देखिएगा, शुगर पेशेंट का, तो शुगर का स्तर नीचे गिर जाता है तो ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऊपर उठाने के लिए क्या करता है, चीनी नमक घोल के पिलाता है, अगर शुगर पेशेंट का चीनी बढ़ गया उसको घटाने के लिए भी इंजेक्शन देता है। यानी अब यहां पर ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि बढ़ा हुआ कि घटा हुआ, तो यहां पर अपना मन से कैसे बोल देंगे कि कम होना चाहिए, बोल सकते हैं नहीं ना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जड़ पर मार कीजिए, अपना मन से कुछो नहीं मार दीजिएगा, ठीक है? चलिए और आपको विश्वास मानिए 400 से 500 प्रश्न को हल करवाएंगे टोटल, जितना भी आपको टाइप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या बोल रहा है, एक नंबर तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा डॉक्टर, कुछ दिनों के भीतर क्रिएटिनिन स्तर सामान्य होने के लिए समय दे रहा। तो वही चीज तो बोला कि भाई अगर क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य हो जाता है, सामान्य क्या बोला, सामान्य नहीं होता होता ठीक है, सामान्य नहीं होता तो हम इसे डायलिसिस करेंगे, किडनी बीमारी ट्रांसप्लांट कुछ करेगा ठीक है। तो वही बोल रहा डॉक्टर, कुछ दिनों के भीतर क्रिएटिनिन स्तर सामान्य होने का समय दे रहा। तो समय दे रहा इसीलिए तो बोल रहा, अगर सामान्य हो जाता तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो करेंगे, यानी समय दे रहा, यानी बिल्कुल आपका दो नंबर सही होगा ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल सोच लिए होंगे और ये आपके लिए बेहतर है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखिए, रेलवे में अगर सफलता पानी है तो हमें इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपका लिंक डाल देंगे, जरूर देखिएगा। मात्र 3 बुक बताएं और आप पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल सफलता कोई रोक नहीं सकता ठीक है। और बहुत ही कम समय, मात्र 5 मिनट का यह समय है। आपका ITI ट्रेड का बेस्ट बुक सारा चीज बताए, और ARP आपका जो है वॉल्यूम देखिए सेट 5 तक करा चुके हैं और सेट 6 जो है आपका आज से या कल से आपका रेगुलर हो जाएगा 8:30 बजे ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, और यहाँ से मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आप कोई भी चीज का तैयारी करते हैं, यानी रेलवे में अगर इसका मैथ का बुक बना लिए समझिए रेलवे आपके लिए रामबाण है। और ये असिस्टेंट लोग का पायलट टोटल 56 सेट है, टोटल करवा गए 5 नंबर सेट खत्म कर दिए, 6ठा नंबर सेट स्टार्ट करेंगे ठीक है। चलिए यहाँ रीजनिंग देख सकते हैं, और ये सब इंस्पेक्टर यानी RPF का कोई तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताइएगा, क्योंकि अपार वैकेंसी है दोस्त, और 2024 में ही टारगेट लेना है कि हमको नौकरी लेना है तो लेना है, चाहे दिन को रात समझ करके पढ़ना पड़े या रात को दिन समझ के पढ़ना पड़े। नहीं बोलता नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को एकदम त्याग करके पढ़ना है। इस बस इतना ही याद रखिएगा कि आपकी सफलता का लगाव जो है आपके माता पिता के साथ जुड़ा हुआ, आप सफल होइएगा तो आपका माता पिता भी एक मतलब सफल होंगे, अगर आप अगर नीचे झुक जाते हैं तो आपको माता पिता को भी झुकना पड़ जाएगा। इसीलिए क्योंकि आप इतना गिर नहीं सकते हैं कि आप अपना आपकी वजह से आपके माता पिता का सर नीचे हो जाए, इसीलिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको दिन रात जगना पड़ेगा, आपको 2024 में सफलता पाना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, 703 नंबर प्रश्न है, हर एक प्रश्न को हमने लिया है ठीक है। देखिए यहां बोल रहा है, यहां देखिए पहले से लगा है सभी, इसीलिए अगर सभी रहेगा तो हो सकता है संभावना की सही हो जाए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है सभी लड़कियां को उपन्यास पढ़ना पसंद है, सभी लड़कियां को उपन्यास पढ़ना पसंद है ठीक बात है। पूर्व धारणा बोल रहा केवल देखिए आ गया, केवल आ गया तो आपको छोड़ देना, बिल्कुल काट देना बिना सोचे समझे, आपका जड़ बता दिया ठीक है, क्यों काटे हैं, केवल उपन्यास ही पढ़नी है योग्यता, क्या है इसका मतलब। बोल रहा लड़की सभी लड़की लोग उपन्यास पढ़ता है तो केवल उपन्यास ही पढ़े नहीं होगा, और भी तो कुछ पढ़ सकते हैं ना ठीक है। अभी तो जानते करते हैं अयोध्या में राम मंदिर, राम जय श्री राम चल रहा, हो सकता है किसी को रामायण का पाठ अच्छा लगता हो ठीक है, या रामायण का किताब पढ़ अच्छा लगता हो, महाभारत भी अच्छा लगता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी केवल आगे बिल्कुल गलत है, ओनली आ जाता हमेशा आ जाता, ये सब बिल्कुल गलत होता है ठीक है। दो नंबर बोल रहा किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद है, क्या आपको बताएं कि यहाँ कहीं निगेटिव बात बोला है लेकिन यहाँ निगेटिव बात आया, क्या आपको एक जरा सा भी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं आप गलत बताएं, आपको ऐसा ऐसा कितना प्रश्न हम करवाएंगे, एक भी प्रश्न में नहीं फंसेगा वादा। तो इसका क्या आ जाएगा, ना तो एक होगा ना दो होगा, यहाँ देखिए केवल आ गया यहाँ नहीं आ गया, पॉजिटिव है, इसी को कहते हैं पॉजिटिव में निगेटिव हमेशा गलत होता है, निगेटिव में पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव में पॉजिटिव हो सकता है लेकिन पॉजिटिव में निगेटिव हमेशा गलती होता है। जैसे यहाँ पर नहीं शब्द कहीं आएगा ही क्या निगेटिव शब्द, लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव आ गया, यानी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, हो ही नहीं सकता कभी सर। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो एक ना तो दो, देखिए ना तो एक ना तो दो सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहा है पूर्व धारणा, देखिए यहाँ तर्क दिया हुआ आपको दिख रहा है ना, प्रश्न दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए विज्ञापन के बारे में आपको बताया ना, विज्ञापन सत बताया होगा, आप नोट्स में देखिएगा, अगर विज्ञापन दे रहा है तो उसको भी सत मानना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि क्रीम पाउडर लगाने से पूरा गोरा त्वचा, मतलब कोई कंपनी है प्रचार कर रहा कि हमारा क्रीम का प्रयोग कीजिएगा तो गोरा त्वचा पाइएगा, तो कितना लोग सोचेगा, एक आग लड़का क्या होता है ना, जैसे बाहर में रहते हैं तो क्रीम लगाता है तो फुंसी और ज्यादा हो जाता है, तो वो सोचने लगेगा ना, हम अपना बारे में सोचने लगेगा क्रीम लगे लियो तो भारी दिक्कत हो लो फुंसी हो तो गलत बोला है,
तो गलत नहीं, अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, हमेशा सत्य मानना है भाई। वो विज्ञापन कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज किया होगा, यानी कहीं ना कहीं वो सरकार उस पर जो है आपका सारा चीज जांच करता है, तब कहीं ना कहीं जाकर के मार्केट में आता। तो वो चीज को हमेशा सत्य मानना, अपने आप पर नहीं लेना, ठीक है, अपने आप पर नहीं लेना। आप पर खराब हुआ तो सब पर खराब होगा, ठीक है, तो अपने आप पर नहीं लेना। चलिए विज्ञापन के बारे में बोला, सरकार ने विज्ञापन दिए हैं और जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाले भोजन ना करे, ना करे, क्योंकि वह अस्वास्थ्य कारक होता है। सरकार ने विज्ञापन जारी किया, जो रोड के किनारे होटल है वहां पर जो है अपना क्या लिखा, सरकार ने विज्ञापन दिया, जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाला भोजन ना करे, क्योंकि वह अस्वास्थ्य कारक है, मतलब शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है। चलिए अब धारणाएं पढ़ते हैं, पूर्व धारणा क्या लगा सकते हैं देखते हैं। चलिए पूर्व धारणा देखिए क्या लगा सकते हैं, सरकार सड़क किनारे के दुकानों का व्यापार बंद करना चाहता है। ये तो बहुत बड़ा सरकार पॉजिटिव बात बोला कि देखिए सड़क किनारे अगर चल रहे हैं तो कहीं भी आप रुक करके रोड से मतलब मत खाइए, अगर हाईवे में कहीं चलते होंगे बहुत सारा दुकान मिलेगा, सरकार चेतावनी दे रहा आप अपना घर से काहे ना खाना ले जाते हैं, सड़क किनारे मत खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं खाइए। तो वो पॉजिटिव बात बोल रहा है, बात बोल रहा है कि नहीं पॉजिटिव, समझिए बात को। आपका पिताजी बोल रहा है दो चाट मारेंगे, दिन भर खेलते रहता, मत खेलो, पढ़ो, यानी आपका मत खेलो, आप सोचेंगे नेगेटिव है, लेकिन आपको वहां पॉजिटिव बोल रहा है, मत खेलो पढ़ो, नहीं खेलो पढ़ो नहीं यार, तो पापा आपका पॉजिटिव बात बोल रहा है, तो वह सरकार आपके लिए पॉजिटिव बात बोल रहा है, वो चीज मत खाइए, नहीं खाइए, वह स्वास्थ्य कारक है, तो वही बोल रहा है, वहां पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है बंद करना, ये तो निगेटिव बात ना दोस्त, यही चीज को पकड़ना है, इसके जड़ पर वार करना है, एक नंबर तो बिल्कुल गलत है। सरकार होटल मालिकों को लाभ को बढ़ाना चाहती है, कहीं भी कथन में आपको बोला है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, रोड किनारे क्या कर रहा नहीं कर रहा, आप ये चीज बिल्कुल आपको कंफ्यूजन है, लाभ हो सकता है हानि कहीं नहीं हो सकता, कहीं लाभ के बारे में चर्चा नहीं किया, जब आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा वहां चीज गलत होता है। कहीं भी लाभ हानि के बारे में बोला सरकार होटल मालिक वहां तो बोल रहा और मत खाइए तो हानि ना होना चाहिए, तो हानि के बारे में मत बताया, नहीं बताया, तो लाभ हानि कुछ भी नहीं बोल सकते, इसीलिए ना तो एक ना तो दो होगा, क्या होगा, ना तो एक ना तो दो होगा, कहा, चलिए चार नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, ना तो एक ना तो दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, देखिए अब यहां से शुरुआत हो गया, ठीक है, चलिए कथन कहां से, यहां से, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने उदाहरण दिया अहंकार से नाश होता, कोई व्यक्ति है उदाहरण दिया, यानी उदाहरण दिया मतलब आपको सलाह दिया, ठीक है, जैसे हम आपको उदाहरण दिया अहंकार नाश का कारण है, विशेष ध्यान रखिएगा, अहंकार, अहंकार से नाश, देखिए अहंकार से नाश होता ही 100% बता दिया, देखिए कथन में बोल दिया एक व्यक्ति ने उदाहरण दिया अहंकार से, यानी अहंकार से, एरो देखिए अहंकार से नाश होता, अगर आपके अंदर कोई भी व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो वो नाश हो जाएगा, लेकिन उल्टा सोचिएगा अहंकार है तो मतलब नाश हुआ जिसका कारण अहंकार है, नहीं, अगर कोई व्यक्ति नाश हुआ है इसका मतलब 100% अहंकार नहीं होगा, जैसे नाश होने का कारण हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है बाढ़ के कारण उसका घर दुहा गया होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या सोचना है, हमेशा अहंकार होने का कारण नाश है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, उदाहरण क्या, जिनका नाश हुआ है उन्हें अहंकार हुआ, नहीं, जिनका अहंकार हुआ उन्हें नाश हुआ, लेकिन यहाँ उल्टा बोल रहा, हमेशा ये एरो देखिए ऐसे चलना, लेकिन यहाँ बोला जिनका नाश हुआ उसे अहंकार है, बिल्कुल गलत, नाश होने का कारण अहंकार नहीं है, अहंकार के कारण नाश होता है, लेकिन नाश होने का कारण हो सकता है अहंकार भी होगा, कुछ अहंकार भी हो सकता है, या कुछ आपका बाढ़ हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, या लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एरो ऐसे नहीं बोला, ये चट्टा क्या किया उल्टा बोला, नाश के कारण अहंकार नहीं, नाश के कारण कुछ और भी हो सकता है, जब ऐसा मन में सवाल आए होगा कि नहीं होगा नाश के कारण अहंकार होगा तो वो चीज हमेशा गलत होगा, ठीक है, यानी एक नंबर बिल्कुल गलत होगा, हमारी बात पे हमारी भावनाओं को समझिएगा, हो सकता है लगता है हम ज्यादा बोल रहे हैं इसमें क्या, लेकिन बोलना भी जरूरी है। चलिए अहंकार प्रति उत्पादी होता, हाँ देखिए अहंकार प्रति उत्पादी होता, अहंकार है जिसके कारण नाश हो जाएगा, प्रति उत्पादी है, खत्म कहानी, यानी दो नंबर बिल्कुल सत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल दो नंबर सत्य है, इसलिए एरो पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए
देखिए पूर्वधारणा हम पहले भी बताए थे कि कथन से थोड़ा हट के भी आप सोचना है, और सोचना है तो एकदम आसान सी भाषा में सोचना है जो हमेशा लगे कि नहीं ये सही होता। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। देखिए कथन बोल रहा है, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देती है, बिल्कुल सही कथन है, सही मानना है। तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरा, खतरा ये निगेटिव शब्द ना है भाई, हम क्या बोल रहे पॉजिटिव, यहाँ बोल रहा घास का, घास पर चलिए ऊर्जा का स्रोत है, यानी पॉजिटिव बात बोल रहा है, यहाँ बोल रहा खतरा, ये तो निगेटिव बात है, एकदम काट देना, इसी जल को पकड़ना, यही पर लोग सोचेगा आधुनिक, मतलब ये बोल रहा तनाव और चिंता, तनाव चिंता हो सकता है लेकिन खतरा नहीं हो सकता है, खतरा निगेटिव शब्द है, और तनाव और चिंता कहीं चर्चे नहीं किया वो भी चीज नहीं सोच सकते आप, ठीक है। चलिए एक तो बिल्कुल गलत हो गया, पॉजिटिव में निगेटिव बोला। दूसरा क्या बोला, घास पर चला वास्तव में बहुत ही आसान व्यायाम है, ये हो सकता है, कहीं हो सकता है, पूर्व धारणा हम क्या बोले कथन से थोड़ा हट के भी हो सकता है, जैसे और भी दिखाएंगे आपको, यानी एक नंबर बिल्कुल सत्य है, आपका व्यायाम भी हो जाएगा, आसान है चलना में, किसी को लगता है घास में चलना बड़ा फिसलन होगा, नहीं ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं आपका ये बिल्कुल सत्य होगा, और कथन से थोड़ा सा हट के भी हो सकता है आपका पूर्व धारणा। चलिए तो इसीलिए बोले आपका ज्ञान पर भी डिपेंड करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महानगरों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए, महानगरों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए महानगरों में टेम्पुओं के स्थान पर बैटरी युक्त बसों को चलाया गया, यानी टेम्पुओं के स्थान पर बैटरी युक्त बसों को चलाया गया, भाई अच्छा बात बोला है, पॉजिटिव बात बोला कि महानगर में प्रदूषण की समस्या है, वहां पर जो है टेम्पू के स्थान पर जो बैटरी युक्त यानी ई व्हीकल बोल सकते हैं बस को चलाया गया, पॉजिटिव बात बोला। चलिए देखते हैं कहीं निगेटिव होगा खड़े काट देंगे आप। बैटरी युक्त बसें चलने से महानगरों के प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। देखिए प्रदूषण के हजार समस्या, ठीक है, केवल आप बोल सकते हैं कि जो प्रदूषण है रोड में चलने वाले गाड़ियों से होता है, ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रदूषण समाप्त हो जाएगा 100% बोल दिया, कोई भी चीज 100% हमेशा गलत होता, 0% हमेशा गलत होता, ठीक है, आपको मॉडरेट रह के चलना है कुछ, तो यहाँ देखिए 100% बोलता है, मतलब सभी बोल रहा है, यानी पूरी तरह समाप्त हो रहा है। अभी बताइए बैटरी युक्त बसें चलने से महानगरों में प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, 100% बोल दिया समाप्त हो, यानी सभी तरह से प्रदूषण समाप्त हो जाएगा महानगर के, यानी सभी के बारे में चर्चा किया, इसके जड़ को हम समझिए, यानी ये गलती है, सभी नहीं बोल सकता, ठीक है। चलिए महानगरों में प्रदूषण का कारण टेम्पू ही है, देखिए ही है हमेशा, ये सब हमेशा गलत होता है, ठीक है। अब वहां पर बोलिएगा हर चीज को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर ही है टेम्पू है तो बताइए और जो कल कारखाना लगा हुआ और क्या करेगा, वो सब भी तो प्रदूषण का कारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका कौन सा हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो होगा, ठीक है, यानी कोई नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना दोस्त, समझ में आ रहा है थोड़ा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए, और हम लोग को क्या चाहिए, लाइक कर देते हैं थोड़ा और कमेंट कर देते हैं, नहीं इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बैंक कर्मियों की, यानी बैंक कर्मचारी छोटा दिन भर खाली खाते रहता है कुछ करता ना, ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा गए थे SBI बैंक में, गए थे खाता खुलाने के लिए, छोटा ऐसा बात बोलता है ना, मतलब कुछ भी हो जाए उसका खाना नहीं छूटेगा, ठीक है, मतलब 10 मिनट भी इधर उधर हो गया 12 दोपहर 12 से 1 बजे के बीच भी जाइएगा सही से काम नहीं करेगा। चलिए लास्ट में कुछ और उपाय लगेगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा बैंक कर्मियों के वेतन में 12.5% की वृद्धि की गई, वेतन में 12.5% की वृद्धि की गई, चलिए ठीक बात है। देखिए पूर्व धारणा, देखिए क्या दिया हुआ, पूर्व में बैंक कर्मियों के वेतन कम थे, अब काम था कि अधिकता हमको क्या पता, क्या बता सकते हैं, काम था कि अधिकता नहीं बता सकते हैं, बोला हाल ही भारत सरकार द्वारा बैंक कर्मियों के वेतन में 12.5% का वृद्धि किया गया, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं मूल वेतन में आपका क्या बोला, पूर्व यानी पहले जो था बैंक कर्मियों के वेतन कम था, कम नहीं था, महंगाई के हिसाब से उसका बढ़ा दिया गया, यानी ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कम अधिक तो बोल नहीं सकता, महंगाई को देखते हुए बैंक कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया, बिल्कुल सही है, जैसे हम लोग रेलवे में काम करते हैं तो वहां पर महंगाई के हिसाब से हर लगभग 6 महीना में 4% जो है आपका इंक्रीज, मतलब कि आपका क्या बोलता है उसको भुला गया, 4% आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको,
ठीक है। तो महंगाई भत्ता बढ़ते जाता है, क्यों? क्योंकि जमाना के हिसाब से देखिएगा हर चीज महंगा हो रहा है, तो उसी को बोलता है महंगाई भत्ता। एक क्या होता है, इसका कैलकुलेशन करके निकालता है मैथमेटिकल द्वारा, तो वहां पर देखता है ना 4% बढ़ रहा है या 5% बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपका हर 6 महीना या साल भर में बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी महंगाई को देखते हुए बैंक कर्मियों को भत्ता यानी कि आपका वेतन बढ़ाया गया, कितना परसेंट? 12.5%, यानी बिल्कुल 2 नंबर सही है। यानी क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा अपनी बहन प्रियंका के जन्मदिन पर उसके लिए उपहार में चॉकलेट लाया था, कितना लोग सत्य करेंगे? आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्त, पूर्व धारणा लगा रहे हैं, अपनी बहन है, अपनी बहन के साथ खाते पीते रहते हैं, हर वक्त बात करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, यानी देखिए आपके साथ साथ आपके बहन का पैरेलल जीवन चल रहा, तो क्या अपनी बहन का शौक क्या उसको चाहिए आपको पता नहीं चलता? यानी पूर्व धारणा लगा रहे हैं, तो आप ही सोचिए, ये अपनी बहन है तो उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे। तो बोल रहा अपनी बहन प्रियंका के जन्मदिन पर उसके लिए उपहार में चॉकलेट लाया, ठीक बात है, पढ़िए पूर्व धारणा, बच्चों के लिए चॉकलेट अच्छा कोई उपहार नहीं है। देखिए यह पॉजिटिव बात बोल रहा है, उसकी बहन मेरी बहन का जन्मदिन है तो हमने चॉकलेट लाया, तो अच्छी बात ना किया, पॉजिटिव किया, लेकिन यहाँ निगेटिव है, हो गया गलती, यानी पहला तो गलती है, मेरी बहन को चॉकलेट बेहद पसंद है, अतः चॉकलेट ही लाना आवश्यक था। मेरी बहन है, हम अपनी बहन के बारे में पूर्व धारणा नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के साथ साथ उसका जीवन मेरा पैरेलल चल रहा है, तो हम अपनी बहन का शौक अच्छी तरह से जानते हैं, उसे चॉकलेट पसंद है, इसीलिए हमने चॉकलेट लाना बहुत ही आवश्यक समझा। तब मेरी बहन था, इसीलिए हम पूर्व धारणा लगा सकते हैं कि नहीं, मेरी बहन को चॉकलेटें पसंद है, इसीलिए हमको अति आवश्यक समझे थे। ठीक है, यानी 2 नंबर क्यों सही हुआ, क्योंकि मेरी अपनी बहन है, इसलिए हमको धारणा लगा सकते हैं। यहां पर कोई और रहता तो किसी और के व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी नहीं रहता था, नहीं लगा पाते। ठीक है, तो गलती भी होगा। चलिए तर्क देखिए, हम क्या बोले थे, पहले भी बोले थे वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। अब बोलिएगा कथन में, बोलिए 2020, यहां बोल रहा है 29 दिन है या 2017, तो कथन और पूर्व धारणा में, कथन से पूर्व धारणा थोड़ा अलग हो सकता है, जो आपके ज्ञान के हिसाब से सही होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। बोल रहा है वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, अधिवर्ष है तो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, कथन है तो सही बोल रहा होगा। 2020 फरवरी में 29 दिन का होगा, बिल्कुल सही। आप बोलेगा यहाँ 29 दिन कहीं चर्चे नहीं कथन में, तो वो टीचर अगर बता रहा तो गलती है, कथन पूर्व धारणा थोड़ा अलग आप सोच सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचना, ठीक है, एकदम हार्ड निर्णय नहीं लेना है, हार्ड पूर्व धारणा नहीं सोचना। तो 2020 का अधिवर्ष बोला है तो 29 दिन का फरवरी हो गई करेगा। 2017 का अधिवर्ष नहीं होगा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, 2017 अधिवर्ष कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि अधिवर्ष तो 2020 है और हर 4 वर्ष के बाद आता है अधिवर्ष, चौथा वर्ष आता है अधिवर्ष, तो इसीलिए 2017 देखिए अधिवर्ष नहीं होगा। तब बोलिएगा यहाँ निगेटिव आ गया, तो बाबू इस कुछ हट के बोला, इसी से रिलेटेड नहीं बोला, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल सत्य बोला, इसीलिए नहीं पर ही ना कि फट से मार देना, पढ़ना अपनी ज्ञान भी लिखे थे, इसीलिए विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो 2017 और वहां पर भी बताया थोड़ा हट किया आता है, इसीलिए यहाँ पर भी चर्चा किए थे कि 500 क्वेश्चन कम से कम बना के जाना, तब 8 में 8 सही भरिएगा। छात्रों का वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पॉजिटिव बात बोल रहा है, छात्रों का वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, सही बात बोल रहा हूँ, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं ले रहा जबरदस्ती लीजिए। ठीक है, चलिए, जैसे कितना भाई बहन एक्स्ट्रा नहीं होता, भाई भाई बाहर में कमा रहा है, बोलेगा हमरो बदले तनी फार्मा भर दिया ना, डिग्री रहेगा फार्मा भर दिया, का उसको प्रोत्साहित कर रहा है, अरे होवे चाहे ना होवे अलग चीज है, पहले फार्मा तो भरिए। ठीक है, ये होता है मोटिवेट करना। चलिए अब उनसे देखते हैं रिलेटेड क्या बोल रहा है, पूर्वानुमान पूर्वाधारणा वही है। चलिए, उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है, आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो जरूर निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा, जरूर विकास होगा। ठीक है, उनका संचार कौशल बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, आप खोजिएगा कि कथनवा के हिसाब से कथनवा कुछ है ना, इसका सवाल कुछ अलग बोल रहा है, तो कथन और पूर्व धारणा में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव सोच के थोड़ा तार्किक रूप से अगर दोनों मैच कर रहा है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, बस आपका जब असफल होइएगा तो ये आपका सफलता, असफल जो होते हैं उसका नाराजगी कहाँ पर ये गलत किए थे
इसी चीज को सुधार करते करते ये आपको निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा कि नहीं कोई जरूरी ना कथन पूर्व धारणा। हाँ यह कथन तर्क रहता, कथन निष्कर्ष होता तो सेम टू सेम मिलना जरूरी था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसका संचार कौशल जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है प्रोत्साहित कर रहा तो कहे ना बढ़ेगा, दोनों सही है। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर बोला एक्स ने वाई से कहा ठीक बात है, मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। एक्स ने वाई से कहा तो वाई से कहा तो मानता है। ठीक है अब मानता और सर्वेक्षण कर रहा यानी उसको जानकारी भी है, सर्वेक्षण कैसे किया जाता है उसको जानकारी होगा तभी तो करना चाह रहा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स ने वाई से कहा मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। ठीक बात है पूर्व धारणा क्या, सर्वेक्षण के द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता, सर्वेक्षण की जगह क्यों नहीं जाना जा सकता, बिल्कुल पॉजिटिव यहां पर भी बोले यहां पर भी एकदम पॉजिटिव बोले, सर्वेक्षण करके हम जाना जा सकता है। ठीक है जैसे सर्वेक्षण करके मोहन जोदाड़ो का खोज कर लिए यानी उस मोहन जोदाड़ो था भूतपूर्व में जो कि उसके बारे में जान गए, तो फिर नाश्ता के बारे में कौन बड़ी चीज है, सर्वेक्षण कीजिए इसके बारे में जाना जा सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल का दक्षता है। देखिए एक्स ने वाई से कहा तो एक्स के बारे में बोल भी रहा, अगर वाई बोलता तो गलत हो जाता, एक्स ने वाई से कहा तो एक्स ही बोल रहा इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है तभी तो सर्वेक्षण करेगा ना, यानी बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी एक दो दोनों बिल्कुल सही होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इसको बढ़ाकर दिख रहा है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है इसका जवाब दीजिए। ठीक है बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा समझ करके शुरुआत में ऐसा ही समझना, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, खटखट मारते चल जाइएगा। फिर देखिएगा एरो पर ध्यान दीजिएगा, एक्स से वाई की ओर जा रहा, जब भी बोलेगा एक्स बोलेगा, वाई बोलेगा गलत हो जाएगा। एक्स ने वाई से कहा मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। अब शोध करना चाह रहा है एक्स, यानी इसके बारे में शोध करने का यानी इसका ज्ञान होगा। ठीक है एक्स ने वाई से कहा तो होगा तो भाई देखते हैं आगे पूर्व धारणा क्या लगेगा। 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता, तो भाई जाना जा सकता है, शोध करना चाहता है, शोध कर लेगा उसके बाद जाना जा सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है दूसरा नंबर क्या बोल रहा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता। देखिए एक्स वहां पर भी शुरुआत एक्स से वाई की ओर चले थे, एक्स से वाई, अगर यहां वाई लिखता था बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स ने वाई से कहा था इसीलिए यहां पर भी देखिएगा एक्स बोला वाई रहता तो बिल्कुल गलत हो जाता। एरो देखिए एरो एक्स से वाई की ओर हमेशा एक्स बोलेगा। ठीक है यानी सॉल्व करके जाना चाह सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी एक दो दोनों सत्य होगा। क्या हो रहा है चलिए तर्क बोल रहा ध्यान दीजिएगा इसका जवाब दीजिए तब लगेगा नहीं आप कुछ सीख रहे। घर को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता। ठीक है घर को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। अब ध्यान दीजिएगा जब तक घर की मरम्मत नहीं की जाती है तब तक परिवार की कल्याण नहीं हो सकता। भैया यहाँ बोल रहा मरम्मत कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है मरम्मत कीजिए, यहाँ बोल रहा नहीं हो सकता, यानी निगेटिव बिल्कुल बोल रहा कि जब तक घर का मरम्मत नहीं की जाएगा कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत बोल रहा। ठीक है चलिए दूसरा नंबर बोल रहा मरम्मत में पैसा लगता है। अब आप ही बताइए इसका एकदम सटीक जवाब दीजिए कि घर में पैसा लगता है कि क्या लगता है, अब आप ही बताइए हम क्या बोलेंगे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के प्रश्न नहीं बना के जाइएगा एकदम माथा कंफ्यूज हो जाएगा, मारना एकदम कंफर्म है लेकिन गलत होना भी उससे ज्यादा कंफर्म हो जाता है। ठीक है तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 382 विशेष ध्यान दीजिए, इसीलिए देखिए इसमें टिक भी लगा दिए थे कि इस सब क्वेश्चन को मजाक में नहीं लेना है। ठीक है आप ही बताइए कमेंट में, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, अब बताइए
कि सही जवाब इसका क्या होगा। चलिए अब देखिए, मरम्मत करा रहा है, कोई जरूरी हो सकता है ईंट की आवश्यकता होगा, हो सकता है ईंट अपने से बनाता है, यानी कुछ भी सोच सकते हैं, यानी पैसा के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया। आप देखिए क्या सोचे थे, आप जरूर कमेंट माध्यम से बताइएगा, ठीक है। यानी पैसा की मरम्मत में पैसा लगता है, आप बिल्कुल सही सोचे, मरम्मत में पैसा लगता है, वो मरम्मत में मेहनत भी लगता है। और जब भी इस प्रकार के मन में सवाल उठे तो समझ जाइए आपका सोच विकसित हो गया, आप रिजल्ट के करीब है, ठीक है। चलिए, यानी घर में मरम्मत लगता है, कर ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन घर में पैसा भी लगता है, जब भी इस प्रकार का कंफ्यूजन हो हमेशा गलत होता है। यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ना तो एक कहने ना तो एक ना तो दो हो दूसरा करता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए कथन बोल रहा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कथन। चलिए ध्यान दीजिए, कथन बोल रहा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ देखिए अच्छा बात बोल रहा, 5 साल से कम बच्चा, उसको क्या लिखने दीजिए, सही से हाथ तो उसका खड़ा नहीं होता, सही से हाथ उसको मतलब ना होता, कलम उसको धारा नहीं जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी लिखने का या गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। एक तो लिख नहीं पा रहा और घर का कार्य उसको क्या दीजिएगा, यानी वही पॉजिटिव बात बोल रहा, उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल लेखन सामग्री पकड़ने के लिए संलग्न बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा, ठीक है। यहाँ भी देखिए नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, यहाँ भी नहीं बोल रहा, यानी यहाँ भी पॉजिटिव बात बोल रहा है, यहाँ भी, क्योंकि 5 साल का बच्चा क्या लोड ले सकता है, क्या कलम पकड़ने योग्य है, नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही बोल रहा। वे लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए बहुत छोटा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा, बहुत छोटा है, 5 साल का कौन गधा हो जाता है, अंग्रेजी समझ जाता कि रेलवे तैयारी करेगा, 5 साल तो ऐसा ही लग जाता। चलिए ध्यान दीजिएगा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। देखिए पीछे भी क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे, ये तो नेगेटिव बात बोल रहा है, तो करवा चुका है, यानी घास पर चलना वास्तव में बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 होगा, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए कथन देखिएगा ध्यान से, कथन बोल रहा, रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित करता। जैसे बच्चा भी बोला, रोता हुआ बच्चा, यानी बहुत छोटा बच्चा होगा, इससे ही पता चल रहा, हमारा जैसा तो आपके जैसा लड़का पढ़ने वाला रोता नहीं है, दिल में न बोलता, आंख से आंसू नहीं बोलता, लेकिन सारा बरसात हो जाता, ठीक है, आंखों से आंसू नहीं आता लेकिन बरसात हो जाता, ठीक है। तो चलिए, रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित करता। बच्चा, आप लोग बच्चे होंगे या फिर आप बच्चे को देखते हैं, अगर माता पिता उसका नहीं सुन रहा, कुछ काम कर रहा, कहीं चल गया, बच्चा खूब कस के चिल्लाएगा, यानी उसको भूख लग जाता है या किसी भी स्थिति में, यानी अपना माँ को बुलाना चाहती है। ध्यान दीजिए, रोते हुए बच्चे माता पिता को ध्यान अधिक आकर्षित करती है, ठीक बात है, वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बच्चा रो रहा है, यानी छोटा बच्चा बोलने में समर्थ नहीं है, तो वो रो करके ही अपना बात को जो है रख पाता है, यानी वो बच्चा ठीक बोल रहा है, वो ठीक से संवाद करने में असमर्थ है। देखिए हम कोई टीचर नहीं, आप सोचिए एकदम कम शब्द बोले, हम खुद इसे समझ समझ के अपना काम चलाते हैं, और कुछ कुछ विशेष बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे आपको बता चुके हैं, बस जड़ को ध्यान रखते हैं, उसी के आधार पर टोटल क्वेश्चन डील करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं लेकिन 100% सटीक बताते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बच्चा रोएगा क्यों, क्योंकि माता पिता उसे कुछ काम में उलझ गया, ठीक है, और बच्चों पर ध्यान नहीं जा पाता, तो बच्चा जो है बुलाने के लिए, अपने और आकर्षित करने के लिए, उसको भूख लग गया खाना खिलाने के लिए, बच्चा जो अपनी माँ को आकर्षित करता, तो वही चीज बोल रहा, माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, इसी स्थिति में यह चीज, यानी कि ये जो कथन है पैदा होता है, यानी दोनों चीज सही है, क्या होगा, दोनों 1 और 2 दोनों नहीं होगा। चलिए, और नहीं पढ़िएगा तो कभी सही होगा कभी गलत होगा, बिल्कुल हम जो है क्लियर बताते हैं, क्योंकि ऐसा कितना बार गलत किए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा विज्ञापन के बारे में, बोल रहा विज्ञापन दिया, यानी सही बोला कुछ भी बोला,
एक विज्ञापन का दावा करता है, एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत के सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं, हम भारत के सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधा है। मतलब तीव्र गति के साथ साथ एक अद्वितीय, मतलब एक, ठीक है, मतलब दूसरा कोई नहीं, तीव्र गति के साथ साथ एक सुरक्षा सुविधाएं भी है। अब ध्यान दीजिए क्या बोला, एक पॉजिटिव बात बोला, भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है, तो निगेटिव खड़े गलत है। हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये निगेटिव बोल रहा है, ठीक है। चलिए, लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं, ये देखिए साधारण सा पूर्वानुमान है, साधारण सा पूर्वानुमान हमेशा सही होता है। ये लोग इस कीमत पर बाइक को खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं क्योंकि विज्ञापन दिया था, खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए हर चीज में पढ़ाई करना कोई जरूरी ना है, हंस हंस के खेल के नाच के आपको पढ़ाए, आप थोड़ा सा आकर्षित होकर के एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, विशेष याद रखिएगा जीवन भर आप हंसते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लिक में एक नोटिस पर लिखा है, देखिए फिर क्लिक गए, यानी क्लिक किसको बोलता है, जो दवाई जहां पर मिलता है, ठीक है। क्लिक में एक नोटिस पर लिखा है, बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई डॉक्टर पास गए होंगे ना, तो बहुत सारे जो है लोग आते हैं कि इस दवा को बेच दीजिए, परसेंटेज देता है, ये दवा में आपको ज्यादा फायदा होगा। तो वही कहीं क्लिनिक में गया, अब कोई उसके पास बार बार आता होगा, भाई दवाई मेरा बेच दीजिए, क्योंकि दवाई का दुकान, क्लिनिक मतलब दवाई का दुकान, ठीक है, वहां पर बहुत सारा दवाई वाला आता है कि भाई हमारा ये दवाई बेच दीजिए तो ज्यादा होगा। तो वही क्लिनिक में लास्ट में उसको चिपकाना पड़ा कि अगर आप कोई दवाई बेचने के अति उद्देश्य से आए तो ये दुकान आपके लिए नहीं है। तो वही चीज फिर से क्या करते हैं, क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है, बिक्री के उद्देश्य से अगर आप आए तो सेल्स पर्सन के रूप में आए, बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है, ठीक बात है। बोल रहा है बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सभी भी आया और नहीं भी आया। अच्छा, अगर जैसे आप सिंपल सी भाषा में समझिएगा, अगर कहीं हम गेट के आगे कहीं भी जाते हैं, गेट के आगे लिखा हुआ चप्पल बाहर ही खोल दें, इसका मतलब क्या होता, अब उस गेट के अंदर प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे एक आम चपरासी आ जाए, चाहे एक आम किसान आ जाए, चाहे एक आम व्यक्ति आ जाएगा, सबके लिए वह आदेश है कि चप्पल आप बाहर खोल दें। तो वही यहां पर भी है कि अगर कोई सेल्स पर्सन वहां पर नोटिस लिख दिया है कि अगर बिक्री के उद्देश्य से कोई सेल्स पर्सन आए हैं तो डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो वो प्रधान बहुत बड़ा डॉक्टर रहे चाहे बहुत छोटा रहे, मतलब वहां आना मना। चलिए इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज बोला, बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी, सभी सेल्स पर्सन, सेल्स मतलब होता बेचना, सेल करना मतलब बेचना, सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक नहीं आएंगे। जब वहां बोल दिया है कि बिक्री के उद्देश्य से मत आइए तो वहां पर क्यों आएंगे, तो सभी है नहीं आएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए क्या लिखा गया, रिस्पॉन्सनिस्ट, क्या लिखा है, रिस्पॉन्सनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने से रोक सकता है या सकती है। जब पहले से नोटिस चिपकल है कि बाहर में जूता खोलिए, बाहर में चप्पल खोलिए, तो सबको अलग से बोलेगा, तो यहाँ पर भी बाहर में जब चिपका दिया कि रिस्पॉन्सनिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट है कि रिस्पॉन्सनिस्ट बिक्री अधिकारी को डॉक्टर से मिलने से रोक सकता है, पहले ये बोला था रोक सकता है, ये दोनों आपका सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप अपने हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं क्या बोलना चाहता है, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों आपका सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। अब देखिए मिलन ने अपनी टीम साथी से पूछा, ठीक है, क्या शाम में तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं, यानी टीम के साथी के पास बाइक है, इतना समझ गया। पूर्वानुमान, मिलन के टीम के साथी के पास बाइक है, बाइक है, आपके पास नोट्स है, तभी तो हम मांग रहे हैं, आपको कोई मैथ आता है तभी तो हम पूछेंगे भैया ये मैथ बता दीजिए, ठीक है, यानी आपको कोई चीज है या आपके पास आता है या नोट्स है, अगर हम मांग रहे हैं तो ये आपको 100% समझना वो चीज उसके पास है तभी मांग रहे हैं, यानी उसके साथी पास, टीम के साथी पास बाइक है, इसीलिए मिलन जो है मांग रहा, तो यानी बिल्कुल सही होगा।
मिलन को शाम को बाई की आवश्यकता, बिल्कुल सही है, वही थी तो आवश्यकता है तभी तो मांग रहा, यानी क्या होगा एक और दो दोनों सही होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए कि ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगियों को कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। ब्रांच मैनेजर जैसे मार्च के लिए ना रेलवे में भी देखिएगा सब एकदम पूरा जितना भी आपका जो हिसाब किताब होता है मार्च में ही होता है, ठीक है। चलिए तो वह वही बोल रहा है, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगियों को बोल रहा है यानी अपना स्टाफ को बोल रहा है, कहता है कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं, हमेशा लगा हुआ पहले से हमेशा व्यस्त रहता, मार्च के अंत में और अधिक काम होता है, और अधिक काम होता तभी तो व्यस्त होता है, यानी बिल्कुल सही बोल रहा है। समय पर काम की कमी के कारण, यानी कि कमी और वृद्धि नहीं है, पहले ये बोला अधिक काम होता है तो कमी कहा अपने मन से बोला बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमेशा बोला कि हमेशा व्यस्त रहते हैं क्योंकि अधिक काम होता, तो यहाँ कमी कहा है क्या, यहाँ पहले कमी बोल दिया, यानी यहाँ अधिक के बारे में बोलना चाहिए, तो यहाँ कमी बोला, बिल्कुल आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, पहले पक्षी अभ्यारण, पहले पक्षी अभ्यारण्य बहुत पक्षी थे, कोई पक्षी अभ्यारण होगा जैसे हम लोग पास भी नागिन अट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो नया नया अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो उद्घाटन किए थे जम्मू में, पहले पक्षी अभ्यारण पहले जो था पक्षी अभ्यारण बहुत सारे पक्षी थे, ठीक बात है। पढ़िए इसके बारे में पॉजिटिव जो आपका क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पक्षी प्रवास करते हैं बिल्कुल, आप देखिएगा वहां पर पानी होगा या उस समय उसके लिए खाना उपलब्ध होगा तो वो उस समय क्या होता है ना कहीं बाहर से आता है और वहां पर कुछ दिन रहेगा फिर वहां से आपको पलायन कर जाएगा, ठीक है। तो वही पक्षी प्रवास, हाँ प्रवास कर जाता है, पलायन बोल दे प्रवास करता है, पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि में, वर्ष की एक विशेष अवधि होता है जिस समय की मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं जम्मू में 50 पक्षी है जम्मू, उसके पास मान लेते हैं फरवरी महीना चल रहा है जो कि वहां पर उसके लिए खाना उपलब्ध है तो वो वहां रहेगा। जैसे ही देखा फरवरी मार्च में हम लोग का गर्मी आता है कुछ, अब जम्मू से गए पटना, वहां पर हम लोग के लिए गंगा किनारे खाना उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ जैसे ही कमा तो वो पटना चल जाएगा गंगा किनारे, उतना सारा प्रवास कर जाएगा वहां पर, क्योंकि उस समय आपका उसका एनवायरमेंट मिल जाता है, खाना पीना सारा चीज मिलता है तो वहां से प्रवास कर जाता है। पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण में आते हैं, यही चीज तो वहां पर बोला, यानी ये बिल्कुल सत्य बोला, पहले पक्षी अभ्यारण बहुत पक्षी थे, एक विशेष अवधि में आता है फिर प्रवास कर जाता है दूसरा जगह, ठीक है, यानी यही चीज सत्य बोला। फिर क्या बोला, उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे, उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे, जब यहाँ पर पक्षी जो अभ्यारण है क्या है, हाँ उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे, तो ये चीज हम कैसे बता सकते हैं अच्छे जल स्रोत थे कि नहीं थे, ठीक है, पहले थे अभी नहीं थे, कंफ्यूजन बना गलत है, खत्म कहा क्या होगा, यानी ये गलत होगा, कंफ्यूजन बना उस क्षेत्र में जल अच्छे स्रोत थे, अच्छा स्रोत था तो छोड़ के कहा गया, ठीक है, कंफ्यूजन बना गलत, यानी केवल एक सत्य होगा, है ना, तीन नंबर ऑप्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर देखिएगा एरो, देखिए एक्स ने वाई से कहा मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं, यानी एक्स के पास वो नॉलेज है, ठीक है। देखिए एरो देखिए, एक्स ने वाई से कहा, हमेशा एक्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया, बच्चों को जो है सोशल मीडिया पर किशोरावस्था पर अध्ययन, किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता, तो वही चीज तो बोला एक्स ने वाई से बोला हम माप सकते हैं, यानी मापा जा सकता तभी तो बोला। इस तरह के शोध के लिए एक्स, देखिए एक्स ने वाई, एक्स से वाई की ओर चले थे ना, तो यहाँ एक्स बोला, वाई रहता तो गलत रहता, एक्स के पास कौशल की दक्षता, दक्षता है तभी तो किसी के बारे में बोला ना, यानी दो नंबर भी बिल्कुल सत्य होगा, दोनों सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां बोला सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, तो पहले भी करवा दिए, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, अच्छा बात है, यहां बोल रहा केवल लग गया गलत है, यहां बोल रहा नहीं बोल दिया था गलत है, पहले भी करवा दिए, ठीक है। 400-500 प्रश्न जिस दिन बना लिए समझिए इस चैप्टर में अगर छूट जाए तो वह बेकार है पढ़ना। चलिए ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, चेतावनी दे रहा, ठीक है पहले बता दिया,
शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी दिया है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, देखते हैं, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है यहाँ, चेतावनी अच्छा बात है तो यहाँ बोलना नहीं है तो गलती है। ठीक बात है, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। देखिए, हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं शराब का सेवन नहीं कीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, ऐसा जरूरी ना हो सकता है। किसी कारणवश अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं से गिर गया है, किसी को चोट घाट लग गया, या और कोई बहुत सारा जो है बहुत सारे चीजों के कारण जो है अस्वस्थ हो सकता है। यानी यहाँ पर ये बोलना चाह रहा केवल स्वास्थ्य, शराब का सेवन ना करें, ना करने वाले को लोग स्वस्थ रहते हैं। नहीं बाबू, ये 100% गलत है कि शराब का सेवन नहीं कीजिए स्वस्थ रहिएगा, कत्ते कत्ते का बिल्टी बुढ़ते हुए देखें। ठीक है, तो दो नंबर बिल्कुल गलत बोल रहा है, केवल एक सही होगा। क्या गलती बढ़ रही है क्या? चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तर्क है और कथन है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों की विशेष भर्ती की चलाने की योजना बनाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने 2 बार साल में विशेष भर्ती, डॉक्टरों की विशेष भर्ती का अभियान चलाने का योजना बनाई। कई रिक्तियां, देखिए हम नहीं बोल सकते हैं, यही सब चीज तो एक्सपीरियंस लगा, आप जानते हैं चाहे ना ही जानते हैं इस चीज को सीख के जाना। कई रिक्तियां हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गांव में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आप भाई सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती का अभियान चलाने की योजना बना रही, तो रिक्तियां क्या बोला है, कई रिक्तियां, तो अब ये चीज हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कितना रिक्तियां या कई रिक्तियां। ठीक है, एक नंबर बिल्कुल गलती होगा, सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये तो बिल्कुल 100% सत्य बोल रहा है कथन के हिसाब से, क्योंकि भर्ती क्यों चला रहा है डॉक्टर का, क्योंकि ग्रामीण लोग स्वस्थ रहे। ठीक है, यानी 2 नंबर केवल 2 होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए इस चीज को बता दिया, सभी उपन्यास पढ़ना पसंद है। चलिए आपको इसका जवाब देना है, जवाब दीजिएगा, आपका नेक्स्ट जो आपका कथन तर्क ला या कथन निष्कर्ष ला या कथन धारणा ला, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो बोलिएगा वो लाएगा। ठीक है, और मैथ का आपका रेगुलर लगभग आज से या कल सुबह 8:30 बजे से आपका जो है रेगुलर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, GKGS मस्ती बा जगदेव से, बहुत मजा आने वाला है और आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। यस, थोड़ा सा असुविधाएं हुआ था जिसके कारण थोड़ा रुकना पड़ा हमें। ठीक है, और आज से जो है रेगुलर चलेगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।